आज ना मैं अपना सोफा क्लीन कर रही हूँ, और सोफा क्लीन मैं किससे कर रही हूँ आप लोगों को बताती हूँ, जो घर में इजीली मिल जाता है। विनीगर होगा, नींबू होगा और डिटर्जेंट होगा, और थोड़ा सा पानी तो होगा सबके घर में। तो वो तीन चार चीज़ों को हम मिक्स करके और एक स्क्रब ले लेंगे, इस तरीके का स्क्रब जो बर्तन घिसने वाला स्क्रब है, इस तरीके का हम एक स्क्रब ले लेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम सोफे को इसी तरीके से वॉश करेंगे, मतलब घिसेंगे। और इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है सोफ़ा क्लीन के बारे में, क्योंकि मैंने खुद यूट्यूब में सर्च किया था तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा था। और एक है ड्राई क्लीन तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, या फिर आप वैक्यूम ले लो वो भी बेस्ट है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है तो मैंने लगाया देसी जुगाड़। अब मैंने अपने हस्बैंड को बोला, क्योंकि मेरा तो हाथ दर्द हो गया बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने बोला थोड़ा सा आप करो। और गाइस देखो, एकदम मेरा सोफ़ा एकदम नया लग रहा है ना, एकदम नया जैसा हो गया है। थोड़ा क्या है ना, पंखा चला देना है, पंखा चलाना बहुत ज़रूरी है, अच्छे तरीके से सुखाना है। मैं सोच रही थी कि बहुत पहले ही करूँगी, लेकिन बारिश हो रहा था, बारिश की वजह से फिर जाके मैंने सोफ़ा क्लीन किया नहीं, तो इसलिए आज धूप निकला है तो आज मैंने सोफ़ा क्लीन किया है। और आज काफ़ी सारे काम किए हैं मैंने, तो वो तो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला जल्दी एक सोफ़ा कर दो, उसके बाद मैं कर देती हूँ, क्योंकि ना हाथ दर्द हो जाता है ऐसे करते करते, बहुत ताकत लगाना पड़ता है घिसने के लिए। तो यहाँ देखो एकदम घर भर पूरा उलझा हुआ है, माधव खेल रहा था अपने टॉयज से। फिर से मैंने अगेन अपने हस्बैंड से ले लिया है स्क्रब, और देखो बहुत अच्छे तरीके से मैं स्क्रब कर रही हूँ, और बार बार स्क्रब को ना धोना पड़ता है। और गाइस देखो कितने मस्त मेरे बाल हैं ना, तो ये बाल बेच के मैंने टिफ़िन ख़रीदा, तो ये वाला टिफ़िन मुझे दिया है, काफ़ी सारे बाल हो गए थे तो मैंने एक टिफ़िन लिया। काफ़ी कुछ दे रहे थे वहाँ पे, हांडी, उसके बाद कढ़ाई, बहुत कुछ था, लेकिन मेरे पास बाल कम था ना, तो इसीलिए टिफ़िन ही हो पाया, तो फिर मैंने टिफ़िन ही लिया। फिर यहाँ पे हम दोनों बैठ गए हैं काम करने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो हम दोनों, देखो हमारे पास बिंदी नहीं है, बिंदी माधव ले गया है, और गाइज हम माधव को बड़ा मिस कर रहे हैं, माधव सोया है ना, तो ये रहा हमारा माधव। कभी कभार माधव ऐसा हो जाता है, एंग्री बर्ड इस तरीके का दिखता है माधव कभी कभार। तो चलो गाइज अभी कुछ काम है उनको कर लेते हैं। और यहाँ दीदी एक आई थी, तो वो दीदी को मैंने चाय दिया था, तो वहीं पर एक कप प्लेट रखा है, तो चलो अभी धो देते हैं। आपको कैसा लगा ब्लॉग, अच्छा लगा?